सपा संरक्षक मुलायम सिंह ने लोकसभा में कहा कि चीन सिक्किम और भूटान पर कब्जे की साजिश रच रहा है और वो भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। मुलायम सिंह ने साथ ही नाराजगी जताई कि बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद केंद्र सरकार ये नहीं बता रही कि चीन के खिलाफ भारत क्या कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पूर्व सरकार पर हमला बोला। सीएम ने बजट पर बोलते हुए कहा कि हमें विरासत में खजाना खाली मिला। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि किसी सरकार ने पहली बार किसानों को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है। विधानसभा में शराबबंदी की मांग पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की राजस्व की कमी के चलते शराबबंदी नहीं हो सकती। योगी सरकार ने गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। अब धार्मिक स्थलों पर अगले नवरात्र से गाय के दूध से बनी मिठाइयों का प्रसाद मिलेगा। राज्यसभा से बसपा सुप्रीमो मायावती के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि मायावती को दलितों ने यूपी में 4 बार सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी और अपने भाई की संपत्ति बनाई। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद ने कहा कि मायावती अपने अंतिम दौर में हैं, इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मायावती का राजनीतिक ड्रामा खत्म हो चुका है, अब वो राज्यसभा से इस्तीफा दें या देश छोड़ें, कोई दलित इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। औरैया में प्रशासन ने पूर्व सपा विधायक मदन गौतम की अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया है। बिल्डिंग को गिराते वक्त जेसीबी मशीन ड्राइवर हादसे में घायल हो गया। इलाहाबाद के टैगोर टाउन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीवर का पानी लीक होकर सड़कों पर आ गया है, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले से बेखबर हैं। फरुखाबाद में एक मदरसे का वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे शिक्षिका की पंखे से हवा कर रहे हैं, जिसके बाद मदरसे में चल रही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाथरस में छात्र और छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्र पानी बिजली की समस्या से परेशान हैं। हमीरपुर में एडीजी इलाहाबाद जोन के काफिले को कुछ महिलाओं ने रोक लिया। पीड़ित महिलाओं ने एडीजी के काफिले को रोककर न्याय की गुहार लगाई। आगरा में 90 लाख की चांदी चोरी। हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े रोडवेज बस में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के पास से 90 लाख की चांदी लूटकर फरार हो गए। आगरा में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 4 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर पुलिस पर पथराव किया। जौनपुर में एक सिरफिरे पति ने मामूली विवाद में पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काट दिया। सिरफिरे पति की इस काली करतूत से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तेल माफिया पाइपलाइन में सेंध लगाकर बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का डीजल चोरी कर रहे थे। फरुखाबाद के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी में पानी बढ़ने से कई जगह पर कटान भी हुआ है, जिससे कई गांव से संपर्क टूट गया है। गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में भी लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिस वजह से नदी किनारे इलाके के लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा भाटिया है और स्पोर्ट्स टिकी में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। गुरुवार 30 मार्च को वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच 4 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां मेहमान टीम पाकिस्तान ने एक बार फिर से मेजबान वेस्ट इंडीज को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम के सामने मैच जीतने के लिए 133 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वेस्ट इंडीज की पूरी टीम मात्र 129 रनों पर ही ढेर हो गई और पाकिस्तान यह मुकाबला 3 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। पाकिस्तान के लिए युवा गेंदबाज शादाब खान ने एक बार फिर से अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 4 विकेट हासिल। अगली खबर, अफगानिस्तान के 18 वर्षीय युवा स्पिन गेंदबाज रशीद खान आईपीएल में खेलने को लेकर बेहद उत्साहित है।
आईपीएल में रशीद खान को गत विजेता सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा है। अपनी टीम के साथ जुड़ने के बाद रशीद खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथी खिलाड़ी मुझे मिलियन डॉलर बेबी का नाम से बुलाने लगे। इस पर मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा लक्ष्य सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। अगली खबर, गुरुवार शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता दीपा मलिक और हॉकी टीम का कप्तान पिया श्रीजेश को पद पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली समारोह में आकर्षण का केंद्र बने रहे। यही नहीं, जब उनको पुरस्कार के लिए बुलाया गया तब जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान किया गया। विराट कोहली को पद्मश्री का पुरस्कार से नवाजा। अगली खबर, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग को आमंत्रण दिया है। यही नहीं, ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सभी खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि बेहद ही खास मौके पर पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को आमंत्रण नहीं दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomar. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Besos a mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito. Fancy, Chihuahua. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.